Hi friends, today we will discuss the second part from the book Flamingo and chapter Indigo. Last we discuss when the judge released Gandhi ji without taking any bail petitions or something like that. Let's read the chapter. Rajan Prasad Bijkishor Babu, Molana Majul Haq and several other prominent lawyers had arrived from Bihar. बहुत सारे जो राजन प्रसाद थे, बिजकिशोर बाबू थे, मौलाना मौजूद थे, वो बिहार से आए. दे कन्फर्म विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से बात की. वॉट दे वुड डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस टू प्रिजन, कि अगर गांधी जी को प्रिजन भेज दिया जाता है तो वो क्या करेंगे. गांधी आस्क्ड व्हाई द सीनियर senior lawyer replied, they had come to advise and help him. उन्होंने वो लोग आए थे ताकि उनको advice दे और help करें. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. अगर वो jail चलेंगे तो कोई भी advice देने के लिए नहीं रहेगा और फिर सब अपने अपने घर चले जाएंगे. कौन? जो peasants वगैरह थे उनको. What about the injustice to the sharecropper? गांधी डिमांडेड. फिर गांधी जी ने पूछा तो फिर उन लोगों के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसका क्या होगा. द लॉयर विदड्रॉ टू कंसल्ट एंड राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस. अपशॉट का मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ अदर एक्शंस. अब राजेंद्र प्रसाद ये चीज़ बताया था कि उन लोगों ने अपने में कंसल्टेशन किया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो रिजल्ट बताया वो बताने की कोशिश करे. दे थॉट अमंग देमसेल्फ, उन लोगों ने, दैट द गांधी वॉज टोटली ए स्ट्रेंजर, यानी कि वो लॉयर वगैरह अपने हाथ में सोचा कि गांधी जी तो स्ट्रेंजर हैं एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स. पीजेंट्स के लिए जेल जाने के लिए तैयार. एंड इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, और उन लोग और दूसरी तरफ वो लोग बींग नॉट ओनली रेसिडेंट्स ऑफ एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्स, ना केवल वो जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है, उसके रेसिडेंट्स हैं, बट ऑल्सो हु क्लेम टू हैव सर्व्स दीज पीजेंट्स, और वो पीजन उनके लिए काम भी करते हैं, शुड गो होम, वो घर चले जाएंगे. इट वुड बी द सेम फुल डिसर्टेड. अब ये उन लोगों ने सोचा कि ये बड़ा ही सर्वनाक जो है डिजर्शन होगा. डिजर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट, दैट मीन्स कि जो कोर्ट में दिया जाता है उसको कहते हैं. दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वुड रेडी टू फॉलो हिम इन टू जेल. फिर उन लोगों ने गांधी जी के पास गया और कहा कि वो लोग गांधी जी के साथ जेल जाने के लिए भी तैयार हैं. द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, ही एक्सक्लेम, यानी गांधी ने कहा कि अब जो है चंपारण का बैटल जीत लिया है, क्योंकि यहाँ पर यूनिटी की बात की गई है, अब सब एक हो गए हैं, इसीलिए स्टेटमेंट है कि द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन. देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इन टू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर्स इन विच ईच पेयर वॉज टू क्वार्टर्स. फिर उन्होंने पीस एक पेपर का टुकड़ा बना करके उनमें लोगों को एडवाइस दिया कि और ग्रुप बना दिया कि कैसे कैसे कोर्ट में अगर होता है तो कैसे कोर्ट अरेस्ट होगा. सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर द केस टू बी ड्रॉप. बहुत दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद गांधी जी को इन्फॉर्मेशन मिला, जो लेफ्टिनेंट, अमेरिकन इंग्लिश में इसको लेफ्टिनेंट कहा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में को उसको लेफ्टिनेंट कहा जाता है. तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने ऑर्डर दिया है कि केस को ड्रॉप कर दिया जाए. सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड, अब यहाँ द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया, और ये बात पहली बार है कि किसी अंग्रेज़ की जो हुकूमत थी वो बिना केस चलाए हुए जो है केस ड्रॉप कर दिया था. इसीलिए कह रहा है कि सिविल डिसओबीडियंस हैज़ ट्रायम्फ, यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस को विक्ट्री मिली है. द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न ईयर, पहली बार मॉडर्न ईयर. गांधी एंड द लॉयर नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंच इंक्वायरी इनटू द ग्रीवांसेस ऑफ द फार. गांधी और उसके लॉयर ने अब सोचा कि जो काफ़ी लंबा, काफ़ी फार फ्लंच इंक्वायरी, जो फार्मर के ग्रीवांसेस है उसको जाना जाएगा, उसको पहचाना जाए कि आखिर क्या है. डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटेन डाउन, जो काफ़ी सारे 10,000 फार्मर थे उसके
जो डॉक्यूमेंट वो स्टेटमेंट है उसको लिखा गया एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस, नोट्स बनाया गया, डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया, द होल एरिया थ्रोब विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंड, पूरा जो एरिया था वो हमेशा लोगों के आवागमन से थ्रोब्ड विद एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि थ्रोब्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज स्ट्राइकिंग, प्रोड्यूस रेगुलर भी, और इन्वेस्टिगेशन एंड वेहमेंट प्रोटेस्ट, और वेहमेंट का मतलब होता है बड़ा जोर से, और जोर तोर से जो है लैंडलॉर्ड का प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, जून में गांधी जी को समन किया गया एडवर्ड गेट के द्वारा जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड अ डिटेल प्लान फॉर सिविल डिसओबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न, जो बाकी सारे एसोसिएट्स थे यानी राजेंद्र प्रसाद जितने सर उनसे मिले और बोला कि अगर मैं लौट के नहीं आता तो कैसे सिविल डिसओबीडियंस करना है। गांधी हैड प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper. Gandhi ji ki protected ka matlab hota hai, protected ka matlab kafi lamba interview, unexpected, kafi lamba der unke sath interview chala, yani aur fir us result ke karan jo ek commission of inquiry banayegi into the indigo sharecropper situations. The commission consists of landlord, jo commission the usme landlords the, governor official the, and the Gandhi as a sole representative of the peasants, और जो पीजेंट्स थे उसके मात्र एक रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी थे। गांधी रिमेन इन चंपारण फॉर इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड फॉर ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट। गांधी जो है जब आए थे तब से लेकर के लगातार 7 months तक चंपारण में ही रहे और फिर शॉर्टर विजिट के लिए आते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन इंट्रीटी एंड अनलेटर पीजेंट्स इन एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी अ लास्ट फ्यू डेज। जब गांधी जी ने ये विजिट के बारे में सोचा तो उन्होंने सोचा ये जो विजिट है वो इंट्रीटी का मतलब अटेम्प्ट टू परसुएड समवन, यानी कि जो अंग्रेज थे उनको परसुएड कर दिया जाएगा किसके लिए, अनलेटर पीजेंट्स, वो जो गरीब और अनएजुकेटेड पीजेंट्स थे उसका जो एक्सपेक्टेशन था उसको पूरा करने के लिए, और ये कुछ ही दिनों तक चलेगा, इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज, ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जी, लेकिन ये पूरा साल ले लिया गांधी जी का। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर, जो ऑफिशियल इंक्वायरी हुआ वो काफ़ी एविडेंस प्रेजेंट किया किसे, बिग प्लांटर, यानी बिग प्लांटर वो जो बिचौलिए थे उनके खिलाफ। व्हेन दे सॉ दिस दे एग्री इन प्रिंसिपल, वो लोग इस बात से एग्री हो गए, इन प्रिंसिपल का मतलब कि आप मानने के लिए तैयार हैं, एज ए डॉक्यूमेंट जब आपके पास होता है इन एक ये जो वर्ड होता है ये आपको जनरली कोर्ट में कहा जाता है इन प्रिंसिपल, दैट मीन यू एग्री विदाउट द आइडिया इन जनरल, तो इन प्रिंसिपल वो लोग एग्री हो गए कि ऐसा कुछ हुआ है, एग्री इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स, और फिर वो कि रिफंड किया जाएगा पीजेंट्स को, बट हाउ मच वी पे, लेकिन कितना पे किया जाएगा, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर, उन लोगों ने सोचा कि पूरा का पूरा पैसा जो है गांधी जी उनसे डिमांड करेंगे जो कि उन्होंने इलीगली यानी कि गलत तरीके से और धोखा डिसीटफुल का मतलब धोखाधड़ी से एक्सटॉर्टेड किया था शेयर क्रॉपर्स। ही आस्क्ड ओनली फॉर 50%, लेकिन उन्होंने सिर्फ 50% के लिए एग्री हुआ। देयर ही सीम्स एडमांड, वहाँ ऐसा लग रहा था कि इस बात 50% पे वो काफ़ी एडमांडेड थे, यानी कि वो फर्म थे, राइट्स रेवनेंट जे डेस हॉग्स ए ब्रिटिश मिशनरी इन द चंपारण हु ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट अ क्लोज रेट। ये बात कि उन लोगों ने सोचा पूरा पैसा, लेकिन ये 50% पे वो लोग अरे थे, ये सब बात कौन बताए, जो वहाँ पर एक मिशनरी थे चंपारण में जिसका नाम कि रेवनेंट जे जेड हॉज था, उसने इस बात को कहा चंपारण एंड ऑब्जर्व द इंटायर एपिसोड एट क्लोज, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, यानी कि उन लोगों को लगता है 50% से ज़्यादा में गांधी जी नहीं माने। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर ऑफर टू रिफंड
द एक्सटेंट ऑफ 25%। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्लांटर्स के, उसने कहा कि 25% ही हम देंगे एंड टू हिज अमेंजमेंट। लेकिन उन लोगों को इस बात का आश्चर्य लगा कि मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड्स, उनकी बात को मान गया, दस ब्रेकिंग द डेड लॉक। और ये जो डेड लॉक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नो हेडवे, यानी कि जब कोई बात आगे नहीं बढ़ता, जैसे 50% पे उससे देने के लिए तैयार नहीं, मान लेते कि गांधी जी ने कहा 50% और वो लोगों ने कहा नहीं इसमें नहीं देंगे, तो बात आगे नहीं बढ़ रहता, तब इसी को हम डेड लॉक कहते हैं, दैट मीन्स की देर इज़ नो। दिस सेटलमेंट वॉज एडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, और इस जो सेटलमेंट था उसको कमीशन ने अडॉप्ट कर लिया। गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज अ लेस इंपॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट्स पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। गांधी ने कहा पैसे से कोई मतलब नहीं था, गांधी जी ने कहा कि जो अमाउंट था उसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं था, महत्व इस बात का था कि जो उसने लैंड लिया था वो ले, और पहली बार उन लोगों ने ओबलाइज हुआ कि इस चीज़ को वो पैसा देने के लिए, और उसके साथ साथ जो फार्मर थे उसके प्रेस्टीज को वापस करने। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंस वर कंसर्न, जहाँ तक पीजेंस की बात है, द प्लांटर हैड बिहेव एज अ लॉर्ड अबव, पीजेंट्स के लिए जो प्लांटर थे वो भगवान से ऊपर होते थे, द लॉ। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट एंड डिफेंडर्स, अब पीजेंट्स को समझ में आया कि उसके पास अधिकार है और वो उसको डिफेंड्स भी करते हैं। ही लर्न्स करेज, और उनको हिम्मत आ गई, इसलिए गांधी जी की नज़र में पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इवेंट जस्टिफाइज गांधीज पोजिशन, ये जो घटना हुई ये गांधी जी का एक पोजिशन, यानी कि समाज में पहली बार उनका एक पोजिशन क्रिएट किया। Within few years, the British planters abandoned their estate. कुछ ही दिनों में जो British planters थे वो जो state थे, जो ज़मीन लेकर के इंडिगो की खेती का, उसको छोड़ दिया, which reverted to the pigeons, जो कि pigeons के पास चला गया। Indigo sharecroppers disappeared, और जो इंडिगो की खेती होती थी वो गायब हो गया। गांधी never contented himself with a large political or economic solutions, गांधी जी कभी भी जो लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन थे उससे खुश नहीं होते थे, संतुष्ट नहीं होते थे। ही सॉ द कल्चर एंड द सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, उन्होंने देखा कि जो कल्चर है वहाँ का और सोशल बैकवर्डनेस है चंपारण विलेज में, उसके प्रति कुछ करना चाहते थे तुरंत ही। ही अपील फॉर द टीचर्स, उन्होंने टीचर से अपील किया, महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट ज्वाइन गांधी एज अ डिसिपल, जो गांधी जी के डिसिपल थे यानी चेला थे, एंड देयर वाइफ्स, और उनके वाइफ थे, वॉलेंटियर फॉर वर्क्स, तैयार हो गए बिना स्वेच्छा से काम करने। सेवरल मोर केम फ्रॉम मुंबई पुणे एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, काफ़ी दूर दूर से लोग भी आए। देवदास गांधी द यंगस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेज गांधी, यानी देवदास गांधी जो थे गांधी जी के यंगेस्ट सन वो, और उनकी वाइफ भी गांधी जी के आगे। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन द सिक्स विलेज, प्राइमरी स्कूल खोला गया 6 विलेजों में। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन द पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, जो कस्तूरबा गांधी जी थी जो कि गांधी जी की वाइफ थी, वो आश्रम के रूल्स कैसे फॉलो करना है, कैसे सफाई करना है, कैसे सैनिटेशन कम्युनिटी में साफ सुथरा होना चाहिए। हेल्थ कंडीशन वर विजरेबल, जो हेल्थ कंडीशन थे वो काफ़ी थे खराब थे विजरेबल। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर सिक्स, गांधी जी ने एक डॉक्टर बुलाया जो कि 6 मंथ तक बिना पैसे के वहाँ काम करे। 3 medicines वर अवेलेबल, 3 medicines अवेलेबल होता था, कैस्टर ऑयल्स, क्विनिन एंड द सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शो द कोटेड टंग्स वॉज गिवेन द डोज ऑफ कैस्टर, किसी भी को भी जो कोटेड टंग होता था उसको कैस्टर ऑयल देते। एनीबडी विद द मलेरिया फीवर विद क्विनिन क्विनिन दिया जाता था प्लस कैस्टर ऑयल। एनीबडी द स्किन इरप्शंस, किसी को जो स्किन इरप्शंस होता था यानी खुजलाहट, रिसीव द ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल, ये दोनों दिया जाता। गांधी नोटिस द फिल्थ्री स्टेट ऑफ द वुमेन क्लोथ्स, गांधी ने नोटिस किया कि लोगों जो वुमेन थे उसकी जो क्लोथ थे वो काफ़ी फिल्थ्री गंदा था। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट, उन्होंने कस्तूरबा से बात किया कि इस वुमेन वगैरह से बात किया जाए। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हार्ट एंड सेट, अपने झोपड़ी में ले गया, दिखाया, लुक देर इज़ अ नो बॉक्स और कपबोर्ड,
हियर फॉर अ क्लोथ्स, यहाँ क्लोथ्स के लिए कोई कबोर्ड या बॉक्स नहीं है. द साड़ी आई एम वियरिंग इज ओनली वन आई है, जो साड़ी मैं पहन रही हूँ पहनी हुई वही एक साड़ी है. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन हिज आश्रम, गांधी जी वह जब चंपारण में थे तो भी यहाँ से अपने आश्रम पे जो भी कुछ घटना हो तो उस पर ध्यान रखे हुए थे. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड द फाइनेंशियल अकाउंट्स, यहाँ से रेगुलर मेल भेजा करते थे और जो कितना वहाँ पर क्या खर्चा हो रहा नहीं हो रहा उसका ध्यान रखता था. वंस ही रोड टू द रेसिडेंट दैट इट इज़ टाइम टू फिल द ओल्ड लेटरिन ट्रेंच एंड डिग अ न्यू अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगेन टू स्मेल बैड. एक बार उस लेटर में लिखा जो वहाँ पर रहते थे उनके आश्रम में कि जो पुराना लेटरिन है उसको बंद कर दिया जाए और नया डिग किया जाए यानी खोदा जाए ताकि पुराना वाला स्मेल करना शुरू कर दे. द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द गांधीज लाइफ, जो चंपारण एपिसोड था ये गांधी जी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था. वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग्स, गांधी जी कहते हैं बड़े आदमी का यही कहना था कि जो कुछ भी उसने किया वो तो एक ऑर्डिनरी सी थिंग थी. आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश वुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माय ओन कंट्री, मैंने बस वही किया कि जो ब्रिटिश थे वो हमारे कंट्री में हमें को ऑर्डर ना दे. बट द चंपारण डिड नॉट बिगेन एज एक्ट ऑफ डिफाइंस, ये जो चंपारण हुआ था वो एक्ट ऑफ डिफाइंस नहीं था. एक्ट ऑफ डिफाइंस का मतलब होता है कानून को नहीं मानना. इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, ये सिर्फ इसलिए हुआ था कि जो लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स थे फार्मर्स थे उसको एलिवेट करना था उसको ऊपर उठाना था. दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न, ये गांधी जी का एक टिपिकल पैटर्न है. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस, उनका जो पॉलिटिक्स होता था वो इंटरट्विन यानी कि उलझा हुआ होता था जुड़ा हुआ होता था जो प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स होते हैं मिलियंस लोगों के उसकी. हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी ऑफ टू एब्स्ट्रैक्शंस, ऐसा नहीं था वो हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन, इन एब्स्ट्रैक्शन से उसका लॉयल्टी नहीं होता. इट वॉज लॉयल्टी टू द लिविंग ह्यूमन बींग्स, उनका जो लॉयल्टी होता था यानी वफादारी वो लिविंग ह्यूमन बींग्स से होता था. इन एवरी थिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on their own feet and thus makes India free. जो कुछ भी गांधी जी ने किया वो ट्राई टू मोल्ड यानी कि लोगों को मोल्ड करने की कोशिश किया यानी कि लचकाने की कोशिश किया. मोल्ड मतलब होता है कि लोगों को थोड़ा सा फॉर्म जो होता है उसको समझाने की कोशिश करना. न्यू फ्री इंडियंस हु कैन स्टैंड ऑन देयर ओन फिट, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके एंड दस मेक इंडिया फ्री और भारत को आज़ाद कर सके. अर्ली इन द चंपारण एक्शंस चार्लेस फ्री एंड्रूस द इंग्लिश पेसिफिस्ट, ये चंपारण में जो एक चार्लेस फ्री एंड्रूस था जो कि इंग्लिश पेसिफिस्ट था हु हैड बिकम अ डिवोटी फॉलोअर ऑफ द महात्मा जो गांधी जी के फॉलोअर हो गए थे, केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग टू टूर ऑफ ड्यूटी टू फिजी आइलैंड, जब वो फिजी जा रहे थे तो गांधी जी से मिलने आए थे. गांधी इज लॉयर फ्रेंड थॉट इट वुड बी गुड आइडिया फॉर एंड्रूस टू स्टे इन द चंपारण एंड हेल्प देम, गांधी जी के जो लॉयर दोस्त वगैरह थे वो चाहते थे कि एंड्रूस रुके उनके चंपारण में और उन लोग को मदद करे. एंड्रूस वॉज विलिंग इफ गांधी एग्री, एंड्रूस भी ये चाहता था लेकिन गांधी जी अगर तैयार होते थे. बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी इस बात को जोर शोर से अपोज करते थे. ही सेड, उन्होंने कहा, इफ़ यू थिंक दिस इज़ द अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैड अ इंग्लिश मैन ऑफ आवर साइड, कहा कि ये सोचते हो कि यह क्या अनइक्वल फाइट है, अगर एक इंग्लिश मैन हमारे साइड होगा तो अच्छा होगा. दिस शोज द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, ये दिखाता है कि कितना हम लोग कमजोर हैं. दिस कॉज जस्ट एज यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल, ये सिर्फ बताता है कि अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए. यू शुड नॉट सीक अ प्रोप इन मिस्टर्स एंड्रूज बिकॉज ही हैपेंस टू बी इंग्लिश मैन, तुमको प्रोप मतलब सपोर्ट होता है कि तुमको उसके किसी दूसरे के सपोर्ट पे नहीं आश्रित होना चाहिए क्योंकि वो एक इंग्लिश मैन है. इसलिए ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स एंड वी हैड नो रिप्लाई, और राजेंद्र प्रसाद ने कमेंट किया कि गांधी जी ने हमारे माइंड को
रीड कर लेता। फिर गांधी जी के अब जो राजेंद्र प्रसाद वगैरह थे लॉयर फ्रेंड थे उसके पास कोई आंसर नहीं। गांधी इन दिस वे टॉट अस द लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस तरीके से गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस यानी अपने आप पे विश्वास होने की बात सिखाई। सेल्फ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बॉर्न टूगेदर। खुद पे विश्वास होना जो है इंडियन इंडिपेंडेंस, और इंडियन इंडिपेंडेंस वही मदद किया शेयर क्रॉपर्स को और ये और एक साथ मिल गए। सो सेल्फ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बॉर्न टूगेदर, यही जो चीज़ थी हम लोगों को एक बना दी। इसी तरह से हमारा इंडिगो का चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर। टिल दैट टाइम गुड डे।